हेलो एवरीवन। तो एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे स्पाउस वीजा के बारे में। कई लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि सर स्टडी वीजा तो ठीक है, तो क्या हमको स्टडी वीजा के साथ स्पाउस का वीजा अप्लाई करें या बाद में करें या क्या करें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो देखिए, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं खुद, मेरे दो बच्चे हैं, वाइफ है, लेकिन मैंने अकेले का वीज़ा अप्लाई किया था, जो स्टडी वीज़ा किया था। क्यों? क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत लोगों से बात भी की थी और कई लोगों का एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं, जैसे मैं भी यूट्यूब दूसरों की देखता ही हूँ। मेरा चैनल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों का चैनल नहीं देखता हूँ, ठीक है जी। तो मेरा बहुत सारा रिसर्च जो है वो बेस्ड ऑन द यूट्यूब, बेस्ड ऑन द इंटरनेट होता है। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अगर आपकी उम्र 30-32 से ज्यादा है और बच्चे भी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है वीजा लगने में दिक्कत आ सकती है, अगर आप स्पाउस और किड्स का वीजा साथ अप्लाई करोगे स्टूडेंट वीजा के। तो क्योंकि होता क्या है, देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो, तो स्टडी वीज़ा के टाइम पे वीज़ा ऑफिसर को ये इंश्योर करना होता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, इंटेंशंस आपकी वापस आना है या नहीं है। तो अगर वो ये देखेगा कि भाई बंदा 35 साल से ऊपर का है, वाइफ ऑलरेडी जा रही है साथ में, वाइफ की एप्लीकेशन भी लगी हुई है, बच्चे की एप्लीकेशन भी लगी हुई है, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से ये जा रहे हैं, तो देयर इंटेंशंस आर नॉट क्लियर, वेदर दिस गाय रियली वॉन्ट टू डू स्टडी और समथिंग एल्स। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि पहले आप अपना वीजा अप्लाई करो। जब आपका वीजा आ जाए तब उसके बाद आप चले जाओ, और आपके वहां जाने के बाद आप अपने स्पाउस के वीजा के लिए अप्लाई करो। हाँ, लेकिन उसमें क्या है, कई चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, क्योंकि जब आप खुद यहां पर इंडिया में हो और तब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो स्पाउस का, तो तब जो है सिचुएशन अलग होती है। आप खुद हो, आप दौड़ने के लिए इधर उधर जाने के लिए हो। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली वाले हैं, जिनका कोई भी नहीं है, पीछे फॉलोअप के लिए वाइफ को, बच्चे को भी देखना है, वीजा भी अप्लाई करना है, तो आप पहले ही पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का सेट बनवा दो, फिर उसके बाद उसको बोलना कि वंस आई एम देयर देन यू अप्लाई, इट विल बी इजियर फॉर हर एज वेल। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देखना है, देखिए, एक तो आपको जो उसका पासपोर्ट जो हो एक्सपायर नहीं हो रहा हो अगले 6-8 महीने में, ये ध्यान दे देना। बच्चे का भी पासपोर्ट ऐसे ही, क्योंकि बच्चों का पासपोर्ट 5 साल के लिए होता है, तो आप जरूर ध्यान देना कि थोड़े, या तो जाने से पहले, देखिए 2000 रुपए का खर्चा है, अब नया पासपोर्ट इशू करा जाओ, या तो प्लस आप अपना पीसीसी पहले ही अप्लाई करा के और वो करा जाओ पूरा का पूरा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तीसरा कि आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह, वो सारी जो डिटेल है ना जो आपने अपने लिए की है, वो आपको वाइफ के लिए फिर से आपको करनी पड़ेगी। तो वो मेक श्योर कि आपके खाते में पूरे प्रॉपर पैसे पड़े हुए हों, या मनी का जो जस्टिफिकेशन है होता है वो सारा कुछ प्रॉपरली मेंटेन हो रिकॉर्ड्स। तो फिर उस केस में क्या होगा कि आप वहां पे बैठे हुए हो कनाडा में, और आपकी वाइफ अगर यहाँ पे स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करेगी, तो या तो वाइफ है या हस्बैंड है, देखिए मैं, मेरे को पता नहीं कि किसका कौन जा रहा है, तो हो सकता है किसी की वाइफ गई हुई हो तो हस्बैंड जा रहा हो। तो अगर वाइफ जा रही है तो फिर तो उस केस में ये होता है कि ज़्यादातर लोग बच्चों को साथ लेके, तब फिर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी तक जो है, आई एम नॉट श्योर कि देखिए सक्सेस रेट का मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को वीज़ा मिल भी जाता है जो स्टडी के साथ साथ जो है, जैसे कि हस्बैंड ने स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया और वाइफ ने जो है अपना स्पाउस वीजा लगा दिया और मिल भी गया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। और उस केस में होगा क्या कि दैट विल अफेक्ट योर वीजा एज वेल, आपका भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं जिन लोगों का एज थोड़ा हायर साइड पे है, वो ट्राई करो कि
आपका जो है वीजा स्पाउस बाद में अप्लाई करे जब आप वहां चले जाओ। ठीक है जी, एक तो हो गई वीजा स्पाउस वीजा से रिलेटेड बात। दूसरा, अगर आपको इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हो। हाँ, उस ईमेल में मैं केवल वो जानकारी साझा कर पाऊंगा आपके साथ जो मेरे को एक्सपीरियंस है। देखिए, मैं कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं बार बार वही सेम चीज कहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप मेरा रिज्यूम देख लो, मुझे सजेस्ट कर दो। ठीक है, मैं एक आध बार बोल भी देता हूं लोगों को, ठीक है मैं देख लेता हूं, लेकिन देखो भाई मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपको ये करना है, बाकी करना आपने खुद ही है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरा, आप लोग अभी भी मेरा जो वीडियोस है वो देखते हो, बहुत अच्छा है। मेरे पहले वीडियोस पे 5000 से ज्यादा व्यू पहुंच गए हैं, 575 से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हो गए, लेकिन आपको पता है 15% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लेते हैं, 85% ऐसे ही निकल जाते हैं। तो भाइयों, इफ यू फील लाइक कि दिस कैन हेल्प यू और अदर्स, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, है कि नहीं? और तो अभी मेरा अगला वीडियो में आप वेट करना, मैं एक सीरीज बनाने के प्रोसेस में हूं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टूडेंट जा रहे हो कनाडा में तो आप कैसे अपनी फी को रिकवर कर सकते हो वाइल स्टडिंग। तो उसमें जैसे कई सारी चीजें हैं, उन पर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी अगला पहला जो वीडियो है वो अगले 2 दिन के अंदर आपको दिखेगा, तो आप देखो। लेट्स एंजॉय, वॉच, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ।